ओम शांति। ओम शांति। यह है 9/11/68 का प्रातः क्लास। दिस इज अ मॉर्निंग क्लास डेटेड 9/11/68। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। द स्पिरिचुअल फादर आस्क्स द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अपन को रूह या आत्मा समझ करके बैठे हो। आर यू सिटिंग हियर कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ रूह मीनिंग स्पिरिट अ सोल। देह के संबंधियों की याद में देह के पदार्थों की याद में तो नहीं बैठे हो। यू आर नॉट सिटिंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द बॉडी द मटेरियल्स ऑफ द बॉडी आर यू। पूछने वाला रूहानी बाप है। इट इज द स्पिरिचुअल फादर हु आस्क्स। बाप ये तो जानते हैं। द फादर इंडीड नोज कि ये कुछ कठिन है। दैट दिस इज डिफिकल्ट टू सम एक्सटेंट। क्यों? वाई? क्योंकि 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है देह को याद करने की। इट इज बिकॉज यू आर प्रोन टू रिमेम्बर द बॉडी फॉर 63 बर्थ्स। अपनी देह को याद करते रहे पराई देह को याद करते रहे देह के पदार्थों को याद करते रहे। यू कंटिन्यूड टू रिमेम्बर योर ओन बॉडी यू कंटिन्यूड टू रिमेम्बर द बॉडी ऑफ अदर्स द मटेरियल्स रिलेटेड टू द बॉडी। अब ये नई बात आ गई। नाउ दिस न्यू कॉन्सेप्ट हैज इमर्ज्ड। रूहानी बाप ने अपनी पहचान दी। द स्पिरिचुअल फादर गेव हिज इंट्रोडक्शन। हम बच्चों को अपनी पहचान दी कि तुम तो आत्मा हो ज्योति बिंदु हो। He gave us children our introduction. You are souls, points of light. तो ज्योति बिंदु की याद में बैठे हो। So, are you sitting in the remembrance of the point of light? और आत्मा के बाप की याद है। And do you remember the father of the soul? इसमें ही मेहनत है। There is hard work involved only in this. जो आत्मा अभिमानी होकर के बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। ओनली दोज हु आर सिटिंग इन सोल कॉन्शियसनेस आर कॉल्ड महावीर मीनिंग द ब्रेवेस्ट वंस। देह अभिमानी होकर बैठे हैं तो महावीर नहीं हो सकते। इफ यू आर सिटिंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस यू कैनॉट बी महावीर। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना उनको ही महावीर कहा जाता है। Only the ones who consider themselves to be a soul and remember the father are called Mahavir. Maya to interfere karti hai. Maya does interfere. Parantu Maya ki interference ko chalne nahi dete. Kaun? But they don't let Maya succeed in bringing interference. Who? Mahavir. Mahavir. To hamesha apan se poochte raho. हम आत्मा अभिमानी हैं। सो ऑलवेज कीप आस्किंग योरसेल्फ आर वी सोल कॉन्शियस। स्मृति में ज्योति बिंदु आत्मा याद है। डू वी रिमेम्बर द पॉइंट ऑफ लाइट सोल इन अवर माइंड। याद से ही महावीर बनते हो। यू बिकम महावीर ओनली थ्रू रिमेम्बरेंस। गोया याद से तुम सुप्रीम बनते हो। It is as if you become supreme through remembrance. Supremacy aati hai. You develop supremacy. Superiority complex aata hai. You develop a superiority complex. Inferiority nahi aati hai. You don't develop inferiority. Arthat? That is? Apne ko neeche nahi samajhte ho. You do not consider yourself to be low. क्या समझते हो? What do you consider yourself? हम ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे हैं। We are the highest children of the highest father. क्योंकि और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। Because the people of other religions who come do not become so supreme. क्योंकि उनके धर्म पिता हैं सुप्रीम तो है नहीं।
एज देयर रिलीजियस फादर्स आर नॉट सुप्रीम। सुप्रीम बाप हैं क्या? आर दे सुप्रीम फादर्स? और तुम्हारा बाप? एंड योर फादर? सुप्रीम बाप है, उसका कोई बाप है नहीं। योर फादर इज द सुप्रीम फादर, ही डज नॉट हैव एनी फादर। वो धर्म पिताएं तो आते ही देरी से हैं, परमधाम से। दोज रिलीजियस फादर्स कम लेट एनी वे फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड। तो देरी से आने के कारण वो ऑलराउंड पार्ट बजाते नहीं। सो बिकॉज ऑफ कमिंग लेट दे डू नॉट प्ले एन ऑलराउंड पार्ट। और तुम तो ऑलराउंड पार्ट धारी हो। एंड यू आर ऑलराउंड एक्टर्स। ऑलराउंड पार्ट धारी को हीरो कहा जाता है। एन ऑलराउंड एक्टर इज कॉल्ड अ हीरो। ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट किसका होता है? हुज पार्ट इज द हाईएस्ट पार्ट इन अ ड्रामा? हीरो हीरोइन का ही होता है। इट इज ऑफ द हीरो एंड हीरोइन देमसेल्व्स। तो तुम नंबर वार सुप्रीम बनते हो। सो यू बिकम सुप्रीम नंबर वाइज, दैट इज बेस्ड ऑन योर रिमेम्बरेंस। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, महावीर। सुप्रीम मीन्स पावरफुल, महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है, हम आत्मा हैं। सो यू फील हैप्पी विद इन योर सेल्फ दैट यू आर सोल्स। हम सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस सोल्स टीचेस अस। और धर्म के जो हैं वो भी प्रैक्टिस तो करेंगे आत्म की स्थिति में रहने की। द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स विल ऑल्सो प्रैक्टिस बींग इन सोल कॉन्शियसनेस इन डीड। लेकिन अंत में फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। बट इन द एंड दे विल फेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। और तुम आत्म की स्थिति में पास हो जाओगे। एंड यू विल पास इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। ये भी जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 10% दिखाते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम शो देयर चार्ट 25%, सम शो 10%। कोई तो कहते हैं हमें 24 घंटे याद ठहरती है, कोई कहते हैं आधा घंटा ठहरती है। सम से वी रिमेन इन रिमेम्बरेंस फॉर 24 आवर्स, सम से वी रिमेम्बर फॉर हाफ एन आवर। तो बताओ परसेंटेज कितना हुआ। सो टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अलॉट। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो संभाल रहेगी। इफ यू रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज यू विल बी सेफ। देहभान में रहेंगे। इफ यू रिमेन इन बॉडी कॉन्शियसनेस तो माया, देन माया, माया रावण, माया रावण अर्थात दैट इज कोई सूक्ष्म शरीरधारी स्त्री चोला, कोई सूक्ष्म शरीरधारी पुरुष चोला अटैक करेगा। सम सटल बॉडीड फीमेल, सम सटल बॉडीड मेल विल अटैक यू। कब अटैक करेगा? वेन विल इट अटैक? अगर देहभान में अंत में रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय जो आने वाला है। इट विल अटैक इफ यू रिमेन इन बॉडी कॉन्शियसनेस इन द एंड, बिकॉज इन द लास्ट पीरियड विच इज गोइंग टू कम उसमें विनाश की विभीषिका बड़ी जोर से सामने आने वाली है। यू विल फेस द फ्राइटनिंग डिस्प्ले ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। दुनिया में चारों ओर मौत का बाजार लगेगा। देयर विल बी अ मार्केट ऑफ डेथ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, भूकंप आवेंगे। देयर विल बी बिग एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक्स विल टेक प्लेस। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हो वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लगेंगी। दीज हाई बिल्डिंग्स विच यू सी विल क्रैश लाइक प्लेइंग कार्ड्स। और उनमें रहने वाले लोग अचानक मौत को पाएंगे। एंड द पीपल लिविंग इन देम विल डाई सडनली। अकाल मृत्यु ढेर की ढेर होगी। देयर विल बी न्यूमरस अनटाइमली डेथ्स। तो
तो सूक्ष्म शरीरधारी ढेर के ढेर होंगे या थोड़े होंगे? सो विल देयर बी न्यूमरस सटल बॉडीड सोल्स और अ फ्यू? ढेर के ढेर पाप आत्माएं। एवरीवन सेड देयर विल बी न्यूमरस सोल्स, देयर विल बी न्यूमरस सिनफुल सोल्स। सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत चारों ओर संसार में मंडराएंगे। सटल बॉडीड गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स विल वॉन्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो अपना आधार ढूंढेंगे। दे विल सर्च फॉर अ सपोर्ट दैट इज बॉडी। अपना घोड़ा ढूंढेंगे। दे विल सर्च फॉर अ हॉर्स दैट इज बॉडी। तो जो जो देह भान में होंगे उनको पकड़ लेंगे। सो दे विल कैच ऑल दोज हु आर बॉडी कॉन्शियस। क्योंकि सूक्ष्म शरीर और आत्मा ज्योति बिंदु, बिकॉज द सटल बॉडी एंड द पॉइंट ऑफ लाइट सोल, दोनों में ज्यादा पावरफुल ज्यादा सूक्ष्म कौन है? हु इज मोर पावरफुल सटलर बिटवीन द टू? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर? द सोल इज सटलर एंड वॉट अबाउट द सटल बॉडी? वो होता ना सूक्ष्म नहीं है। इट इज नॉट दैट सटल। इसलिए जो अति सूक्ष्म आत्मा है वो पावरफुल रहेगी। दिस इज वाई द वेरी सटल सोल विल रिमेन पावरफुल। उसमें कमजोर आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकेंगी। वीक सोल्स विल नॉट बी एबल टू एंटर इट। तो अपनी बड़ी संभाल रखनी है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अलॉट। क्या? वॉट? नहीं तो क्या होगा? अदरवाइज वॉट विल हैपन? ये मायावी जो है ना, भूत प्रेत संपदा है, ये पकड़ लेंगे। दीज मायावी दैट इज डिसेप्टिव सोल्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स विल कैच यू। धीरे धीरे महावीर बनना है। यू हैव टू ग्रेजुअली बिकम महावीर। क्या? वॉट? ऐसे नहीं एक ही दिन रात भर बैठ जाओ। इट इज नॉट दैट यू सिट अवेक थ्रू आउट द नाइट ऑन अ सिंगल डे। धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाना है। यू शुड इंक्रीज द प्रैक्टिस ग्रेजुअली। फट से तो नहीं बन सकते। यू कैनॉट बिकम महावीर इमीडिएटली। इसमें मेहनत है। दिस इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क। वो जो दुनियावी ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है ऐसे मत समझो, वो कोई अपन को आत्मा समझते हैं। डू नॉट थिंक दैट दोज वर्ल्डली ब्रह्मज्ञानी मीनिंग दोज हू हैव द नॉलेज ऑफ ब्रह्म, तत्वज्ञानी मीनिंग फिलोसोफर्स कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सोल्स। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मज्ञानी है। देर आर ब्रह्मज्ञानीज इवन इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स। किसका ज्ञान ज्यादा रखते हैं, किसकी हिस्ट्री ज्यादा सुनाते हैं? ब्रह्मा की। हुज नॉलेज डू दे हैव मोर, हुज हिस्ट्री डू दे नरेट मोर? ब्रह्मास। तो उनके लिए ऐसे ही नहीं समझना कि वो कोई सदैव अपन को आत्मा समझते हैं। सो डू नॉट थिंक अबाउट देम दैट दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सोल्स। क्योंकि बाप ने कहा है, बिकॉज द फादर हैज सेड दैट, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। व्हेन द एंटायर कट दैट इज रस्ट ऑफ योर नीडल लाइक सोल इज रिमूव्ड, यू चिल्ड्रन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द फादर। बेसिकली जिनकी कट उतरती जाएगी, दोज हूज कट विल कंटिन्यू टू बी रिमूव्ड एट अ बेसिक लेवल। बेसिक पढ़ाई में कट भी कैसी उतरेगी? हाउ विल द कट बी रिमूव्ड इन द बेसिक स्टडीज? बेसिक कट उतरेगी। द कट विल बी रिमूव्ड एट अ बेसिक लेवल। जो सूक्ष्म कट है जन्म जन्मांतर की वो एडवांस ज्ञान से उतरेगी। द सटल कट ऑफ मेनी बर्थ्स विल बी रिमूव्ड थ्रू द एडवांस नॉलेज। एडवांस याद से उतरेगी। थ्रू द एडवांस्ड रिमेम्बरेंस। तो जो बेसिक कट है जिनकी उतर जाती है आत्मा की, आत्मा रूपी सुई निर्मल बन जाती है। सो द सोल्स हुज कट इज रिमूव्ड एट अ बेसिक लेवल व्हेन देयर नीडल लाइक सोल बिकम्स क्लीन, वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। दे लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द फादर। तुम अनुभव करते हो? यू एक्सपीरियंस इट। क्या? कि हम डायरेक्ट बाप से सीखते हैं और वो तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी? वॉट? दैट वी लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द फादर।
एंड दोस तत्वज्ञानीज एंड ब्रह्मज्ञानीज? हाँ, वो ब्रह्मज्ञानी डायरेक्ट बाप से नहीं सीखते हैं। दोस ब्रह्मज्ञानीज डू नॉट लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द फादर। वो जरूर देवान में रहने वाले हैं। दे आर सर्टनली द वंस हु लिव इन बॉडी कॉन्शियसनेस। इसलिए आत्माओं के बाप को अभी तक भी पहचान नहीं पाए हैं। दिस इज वाई दे हैव नॉट येट बीन एबल टू रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ द सोल्स। कि साकार में वो निराकार बाप कैसे मुकर्रर रथ में कार्य कर रहा है। हाउ दैट इनकॉर्पोरियल फादर इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म थ्रू द परमानेंट चैरियट। तुमको तो पता हो गया। यू हैव कम टू नो। वो तो अपन को ही परमात्मा समझते हैं। दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द सुप्रीम सोल। क्या? वॉट? कैसे? हाउ? बड़े बड़े पोस्टर्स छपावेंगे। दे विल प्रिंट बिग पोस्टर्स। उन पोस्टर्स में ऊपर निराकार और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र में अपना चित्र लगाए देंगे। ऑन दोज पोस्टर्स दे विल शो द इनकॉर्पोरियल वन अबव एंड शो देयर ओन पिक्चर इन प्लेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर बिलो। तो तीन त्रिमूर्तियों में समझते हैं कि शिव हमारे में प्रवेश करता है। सो दे थिंक दैट अमंग द थ्री पर्सनैलिटीज शिव एंटर्स अस। वो अपन को भगवान समझ लेते हैं। दे कंसिडर देमसेल्व टू बी गॉड। परमात्मा समझ लेते हैं। दे कंसिडर देमसेल्व टू बी द सुप्रीम सोल। बाकी योग किसके साथ लगाते हैं? बट विथ होम डू दे मेक अ कनेक्शन? योग अपने साथ योग लगाया जाता है क्या? डज समवन हैव योग विथ हिमसेल्फ? एक दूसरे के साथ योग लगाता है। अ पर्सन हैज योग विथ अनदर पर्सन। वो तो अपन को ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। दे सिट कंसिडरिंग देमसेल्व एज गॉड। और फिर कोई ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। एंड देन सम रिमेम्बर द ब्रह्म तत्व मीनिंग द सुप्रीम अबोर्ड लिटरली द एलिमेंट ब्रह्म। क्या? वॉट? ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व वो तो आत्माओं का घर है ना। दैट इज द होम ऑफ द सोल्स इजंट इट। है ना? एवरीवन सेड इट इज इजंट इट। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट किसका घर है। इट इज सिमिलर टू द फैक्ट दैट द वूम लाइक इंटेलेक्ट ऑफ ब्रह्मा इज हूज होम इज इट। आत्माओं का घर है। इट इज द होम ऑफ द सोल्स। ब्रह्मा से सृष्टि रची जाती है ना। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड थ्रू ब्रह्मा इजंट इट। तो कहाँ से निकलती है? सो फ्रॉम वेयर डज इट दैट इज द वर्ल्ड इमर्ज। क्या कोई स्थूल पेट से निकलती है? डज इट इमर्ज फ्रॉम अ फिजिकल वूम। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड थ्रू द थॉट्स ऑफ ब्रह्मा। तो संकल्प कहाँ से निकलते हैं? सो फ्रॉम वेयर डू द थॉट्स इमर्ज। बुद्ध रूपी पेट से जो संकल्प की सृष्टि रची जाती है उसमें से ढेर की ढेर आत्माएं टाइम टू टाइम निकलती रहती हैं। द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स दैट इज क्रिएटेड थ्रू द वूम लाइक इंटेलेक्ट न्यूमरस सोल्स कीप इमर्जिंग फ्रॉम इट टाइम टू टाइम। वो ब्रह्म तत्व है, आत्माओं के रहने का स्थान है। दैट इज ब्रह्म तत्व। इट इज द प्लेस वेयर द सोल्स रिसाइड। वो ब्रह्म तत्व कोई भगवान भगवान नहीं है। दैट ब्रह्म तत्व इज नॉट गॉड। वो जड़त्व में ही तत्व है। इट इज अ नॉन लिविंग एलिमेंट। क्या? वॉट? जैसे पांच तत्व जड़ होते हैं। जस्ट एज द फाइव एलिमेंट्स आर नॉन लिविंग ऐसे ब्रह्म तत्व भी जड़त्व में ही तत्व है। सिमिलरली द ब्रह्म तत्व इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग एलिमेंट। जैसे ब्रह्मलोक तुम साकार सृष्टि पर उतार लेते हो। जस्ट एज यू ब्रिंग द ब्रह्मलोक डाउन टू दिस कॉर्पोरियल वर्ल्ड। जहाँ सब आत्माएं आत्मिक स्टेज में इकट्ठी होकर रहती है। वेयर ऑल द सोल्स लिव टूगेदर इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज। उतारते हो कि नहीं? डू यू ब्रिंग इट डाउन और नॉट? उतारते हो। यू डू ब्रिंग इट डाउन। जब आखिरी विनाश होगा व्हेन द फाइनल डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस
तो सृष्टि की समस्त आत्माओं को बाप का संदेश मिलेगा या नहीं? विल ऑल द सोल्स ऑफ द वर्ल्ड गेट द फादर्स मैसेज और नॉट? एवरीवन सेड दे विल गेट इट। तो सबकी बुद्धि कहाँ लटक जाएगी? सो वेयर विल द इंटेलेक्ट ऑफ एवरीवन बी फोकस्ड? बाप के पास। बाप कहाँ होगा उस समय? इट विल बी फोकस्ड ऑन द फादर। वेयर विल द फादर बी एट दैट टाइम? समवन सेड इन द सुप्रीम अबोर्ड। परमधाम में होगा। विल ही बी इन द सुप्रीम अबोर्ड? बाप तो साथ लेके जाएंगे। द फादर विल टेक यू अलोंग विथ हिम। तो कहाँ होगा? सो वेयर विल ही बी? साकारी परमधाम में होगा। ही विल बी इन द साकारी सुप्रीम अबोर्ड, दैट इज द स्टेज ऑफ परमधाम क्रिएटेड बाय द सोल्स व्हाइल इन द बॉडी सिटिंग इन कलेक्टिव रिमेम्बरेंस। जहाँ जो भी ब्राह्मण आत्माओं का संगठन होगा, आत्मिक स्थिति में रहने वालों का संगठन होगा। द प्लेस वेयर देर विल बी द गैदरिंग ऑफ ऑल द ब्राह्मिन सोल्स, वेयर देर विल बी द गैदरिंग ऑफ दोज हु रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज। उन आत्मिक स्थिति में रहने वालों का बाप और बच्चे साथ साथ रहे पड़े होंगे। द फादर ऑफ दोज हु रिमेन इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज एंड हिज चिल्ड्रन विल लिव टूगेदर देयर। जो प्रैक्टिकल में साथ नहीं भी होंगे, दोज हु विल नॉट बी विथ हिम इन प्रैक्टिस, बाहर की दुनिया में होंगे, उनका भी बुद्धि योग कहाँ लटक जाएगा? दोज हु विल बी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, वेयर विल इवन देयर इंटेलेक्ट बी फोकस्ड? बाप के पास ही लटक जाएगा। इट विल बी फोकस्ड ऑन द फादर इटसेल्फ। तो मन बुद्धि रूपी आत्माएं साकार ब्रह्मलोक की वासी बन जाएंगी। सो द माइंड एंड इंटेलेक्ट लाइक सोल्स विल बिकम ड्वेलर्स ऑफ द साकार ब्रह्मलोक। क्योंकि उस समय ताबड़तोड़ विनाश हो रहा होगा। बिकॉज द क्विक डिस्ट्रक्शन विल बी टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम। जो अपने सर के ऊपर डंडा बजता है तो बुद्धि एकाग्र होगी कि नहीं होगी? When the stick hits one's own head, will the intellect be focused or not? The expression सिर के ऊपर डंडा बजना meaning compelled by the circumstances. Someone said it will. तो वो तत्व योगी तो ब्रह्म के साथ योग लगाते हैं। So those तत्व योगीज make a connection with ब्रह्म। उनसे पूछो, ask them, तुम अपन को परमात्मा समझते हो? When you consider yourself to be the supreme soul, तो योग किससे लगावेंगे? Then with whom will you make a connection? घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। A connection is not made with the home. है? अगर साकार परमधाम भी बनेगा, Even if the साकार supreme abode is established, तो जिन्होंने लंबे समय तक वहाँ अपना जीवन बिताया है, लौकिक जीवन, उनको क्या याद आवेगा? Those who have spent a long time of their life, लौकिक life there, what will they remember? वो स्थान तो याद आवेगा, लेकिन बाप, बाप याद नहीं आवेगा। They will indeed remember the place, but they will not remember the father. अभी तुम बच्चे अपन को आत्मा समझते हो। Now you children consider yourself as a soul. तो अपना ये चार्ट देखना है। So you have to check your chart. कि 24 घंटे में हम कितना अपना चार्ट रखते हैं? हाउ फार वी मेंटेन अवर चार्ट इन 24 आवर्स? क्या? वॉट? रोज शाम को थोड़ा नोट करो। नोट अ लिटिल एवरी इवनिंग। नोट करेंगे, चेकिंग करेंगे, तो फिर चेंज भी कर सकेंगे। इफ यू नोट इट डाउन, इफ यू चेक इट, यू विल बी एबल टू चेंज इट एज वेल। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। Now you children know, we are on the service of God. क्या? What? Godly सेवा पर हैं। We are on godly service, God's service. हम dogly सेवा पर? We are, everyone said, not on dogly service. क्या होती है? What is this? हमें कोई dog direction देता है क्या? हा? Does any dog give us directions? हमें direction देने वाला कौन है? Who gives us directions? हमें डायरेक्शन देने वाला गॉड है। The one who gives us directions is God. डायरेक्ट गॉड से हम डायरेक्शन लेते हैं, फिर कोई काम करने के लिए कदम उठाते हैं। We obtain directions directly from God. Only then do we take a step ahead to do some work.
जो डागली सर्विस पर रहते हैं, उन्हें किसका डायरेक्शन मानना पड़े? Whose directions will those who do doggly service have to obey? Someone said, a dog. सारी दुनिया डॉगली सर्विस पर है. The entire world is on doggly service. तो डॉग एंड विचेस के डायरेक्शन पर चलना पड़ता है. So they have to follow the directions of dogs and witches. और तुम गॉडली सर्विस पर हो. And you are on godly service. On godly service only. On godly service only. क्या? What? हम सिर्फ godly service पर हैं. We are only on godly service. ये बात सभी को बताना है. क्या? You should tell this to everyone. What? हम जिस बाप के बच्चे हैं, हम सिर्फ उसी की सर्विस में रहते हैं. We remain at the service of only the father whose children we are. और कोई दूसरे की सेवा में हमने अपना तन मन धन नहीं लगाते. We do not use our body, mind and wealth in the service of anyone else. तो बाप सिर्फ कहते हैं मन मना भव. So the father just says मन मना भव. क्या करो? What should you do? मन को मेरे में लगाओ. Focus your mind on me. मेरे सिवाय और कोई में न लगाओ. Do not focus it on anyone other than me. अगर देवान में होंगे तो मनमना भव की जगह तंतना भव हो जाएगा. If you are body conscious, you will become तंतना भव instead of मनमना भव. तंतना भव meaning merge in the body. और तनधारी तो ढेर के ढेर है. And there are numerous bodily beings. एक है क्या? Is there just one bodily being? Everyone said no. तो विभिचारी योग हो जाएगा? Then the yog will become adulterated. और विभिचारी योग हो गया तो पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? And if the yog becomes adulterated, will the sins increase or decrease? और ही पाप बढ़ जाएंगे. The sins will increase even more. तो ये तुम्हारी सर्विस है. So this is your service. जितनी सर्विस करेंगे उतना तुमको फल भी मिलेगा. The more service you do, the more fruit you will get. ये बात अच्छी रीति समझने की है. This is something to be understood properly. क्या? What? कि अपन को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो. Consider yourself as a soul and remember me, the one father. मन मना भव का अर्थ बड़ा भारी है. The meaning of मन मना भव is very deep, meaning profound. क्योंकि मन मना भव बनेंगे, मन सिर्फ मेरे में ही लगावेंगे. Because if you become मन मना भव, if you focus your mind only on me, मेरी ही सर्विस में रहेंगे तो याद कौन आएगा? If you are only in my service, then whom will you remember? बाप ही याद आवेगा. You will remember only the father. कोई राष्ट्रपति की सेवा में तैनात किया जाए, If someone is posted in the service of the president, तो उसे कौन याद आएगा? राष्ट्रपति याद आएगा. Whom will he remember? He will remember only the president. तुम सिर्फ मेरी ही सर्विस में रहते हो तो मेरी याद जरूर आवेगी. If you are only in my service, then you will certainly remember me. और जितना सर्विस में रहेंगे उतना तुमको फल भी मिलेगा. And the more you do service, the more fruit you will reap. अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं. Even the good महारथी children do not understand this topic completely. देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है. It involves a lot of hard work in becoming soul conscious. बाप तो बच्चों को क्लियर करके समझाते हैं. The father explains to the children clearly. पिछाड़ी तक भी पुरुषार्थ करती रहना है. You have to go on making पुरुषार्थ even till the end. क्या? मैं आत्मा हूँ. What पुरुषार्थ? I am a soul. ये तुम्हारी तपस्या है. This is your तपस्या.
मीनिंग इंटेंस मेडिटेशन. क्या? व्हाट? उल्टे लटकने की. टू हैंग अपसाइड डाउन. एक पांव पे खड़े होने की. टू स्टैंड ऑन वन लेग. या ऊपर हाथ करके खड़े होने की. या आग के बीच में खड़े होने की, बैठने की तपस्या नहीं है. टू स्टैंड विथ योर हैंड्स रेस्ड अपवर्ड्स और टू स्टैंड और सिट इन अ रिंग ऑफ फायर, दिस इज नॉट योर तपस्या. क्या तपस्या है? व्हाट काइंड ऑफ तपस्या इज इट? अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझ है, बाप को याद करो. कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल एंड रिमेम्बर द फादर. बल कोई कोई कह देते हैं हम तो बाबा को ही याद करते हैं. ऑल्दो सम से वी रिमेम्बर बाबा अलोन. परंतु जो ऐसे कह देते हैं कि हम बाबा को ही याद करते हैं, वो यथार्थ रीति समझते नहीं. बट दोजु से सो दैट दे रिमेम्बर बाबा अलोन डू नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली. इसमें तो बड़ी मेहनत है. दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. क्या 24 घंटे कोई याद करे? इस बात में तो बड़ी मेहनत है. मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है. व्हाट? देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व्ड इन रिमेम्बरिंग द फादर फॉर 24 आवर्स. नोबडी कैन रिसीव फ्रूट विदाउट वर्किंग हार्ड. बाबा देखते हैं. बाबा ऑब्जर्व्स. जो चार्ट बनाकर भेज देते हैं. दोज़ हू राइट एंड सेंड अ चार्ट. बाबा के पास उनका चार्ट पहुंचता है. देयर चार्ट रीचेस बाबा. जब लिखने बैठते हैं तब ही पहुंच जाता है. इट रीचेस बाबा एज सून एज दे सिट टू राइट. कोई कोई महारथी है जो समझते हैं हम महारथी हैं. देयर आर सम महारथीज हू फील वी आर महारथीज. उनसे तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है. दे कांट इवन राइट अ चार्ट एंड सेंड इट टू बाबा. उनको ज्ञान का अहंकार बहुत है. दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो ऑफ नॉलेज. बाकी याद में बैठे हैं, वो मेहनत तो पहुंचती ही नहीं. बट दे आर नॉट एबल टू मेक द एफर्ट ऑफ सिटिंग इन रिमेम्बरेंस एट ऑल. तो बाप समझाते हैं मूल बात है याद की. सो द फादर एक्सप्लेन्स द मेन सब्जेक्ट इज रिमेम्बरेंस. अपने पर घड़ी घड़ी नजर रखनी है. यू हैव टू चेक योर सेल्फ एवरी मोमेंट कि हमारा याद का चार्ट कैसा है. हाउ इज अवर चार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस. कितनी देर हो गई. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन. कब से हमने बाप को याद ही नहीं किया. फॉर हाउ लॉन्ग हैव वी नॉट रिमेम्बर्ड बापा एट ऑल. चेकिंग करते रहो. कीप चेकिंग. ये बात नोट करनी है. यू हैव टू नोट दिस. चार्ट रखना महारथियों से पहुंचता नहीं है. महारथीज आर अनेबल टू मेंटेन अ चार्ट. वो कहेंगे दे विल से हम तो इतनी सेवा में रहते हैं जो हमें फुर्सत ही नहीं है. वी आर सो बिजी इन सर्विस दैट वी डू नॉट हैव टाइम एट ऑल. अगर याद की यात्रा में तुम्हें फुर्सत नहीं है तो ऐसी सेवा का क्या फायदा. इफ यू डू नॉट हैव टाइम फॉर द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच सर्विस. कोई को ज्ञान सुनाया. यू नरेटेड नॉलेज टू समवन. सुनाते समय बाप की याद है ही नहीं. बाप के लिए प्यार है ही नहीं. एंड यू डिड नॉट रिमेम्बर द फादर एट द टाइम ऑफ नरेटिंग नॉलेज. यू डिड नॉट हैव लव फॉर द फादर एट ऑल. छूछा ज्ञान सुनाई दिया. यू नरेटेड एम्प्टी नॉलेज. तो उसके ऊपर असर पड़ेगा. देन विल इट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम. असर ही नहीं पड़ेगा. देर विल नॉट बी एनी इफेक्ट एट ऑल. ज्ञान की तलवार में जौहर ही नहीं है याद का. इफ देर इज नो शार्पनेस ऑफ रिमेम्बरेंस इन द सॉर्ड ऑफ नॉलेज एट ऑल. वो बाप के प्रति आंखों में प्यार ही नहीं है. इफ देर इजंट दैट लव फॉर द फादर एट ऑल इन द आईज. आवाज में वो कशिश ही नहीं है तो सर्विस क्या करेंगे. इफ देर इजंट दैट अट्रैक्शन एट ऑल इन द वॉइस देन व्हाट सर्विस विल यू डू. तो बाप कहते हैं अगर याद की यात्रा में फुर्सत नहीं है. सो द फादर सेज If you do not have time for the journey of remembrance, तो फिर ज्ञान की यात्रा कैसे होगी. How will you perform the journey of knowledge? मूल बात तो है बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ अलफ को याद करो. The main subject is that the father says, consider yourself as a soul and remember अलफ. ये क्या कहा है? What was said?
आत्मा समझ करके अलफ को याद करो। क्यों? कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल एंड रिमेम्बर अलफ। वाई? नुक्ता को, बिंदु को क्यों ना याद करें? वाई शुडंट वी रिमेम्बर द डॉट नुक्ता, द पॉइंट बिंदु? अरे आत्मा में वो आत्मा का स्वरूप परमात्मा तो आ ही गया। अरे दैट फॉर्म ऑफ द सोल, द सुप्रीम सोल इज एनी वे इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ द सोल। जब हमने आत्मा को याद किया तो आत्मा में आत्मा के बाप का रूप आ गया कि नहीं आ गया? वेन वी रिमेम्बर द सोल, वॉज द फॉर्म ऑफ द फादर इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ द सोल और नॉट? वो तो आ ही गया। दैट वॉज इंडीड इंक्लूडेड। फिर साथ में क्या करो? देन वॉट शुड यू डू अलॉन्ग विद दैट? वो आत्मा का जो स्वरूप है, सुप्रीम बाप का जो स्वरूप है, दैट फॉर्म ऑफ द सोल, दैट फॉर्म ऑफ द सुप्रीम फादर, वो किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाय रहा है? इन विच परमानेंट चैरियट इज ही प्लेइंग हिज पार्ट? वो अलफ है, अलफ अर्थात पहला। दैट वन इज अलफ, अलफ मीन्स द फर्स्ट वन, अव्वल नंबर है। ही इज नंबर वन। अल्लाह आते हैं तो अल्लाह कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? वेन अल्लाह कम्स विच रिलीजन डज ही एस्टेब्लिश? अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। अव्वल दीन, ही एस्टेब्लिशेस द नंबर वन अव्वल नंबर रिलीजन। द्वयम नंबर धर्म की स्थापना दूसरे नंबर का आदमी करेगा। द नंबर टू रिलीजन विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द नंबर टू पर्सन। और अव्वल नंबर धर्म की स्थापना जो दुनिया में पहले नंबर का आदमी है। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर वन रिलीजन इज ब्रॉट अबाउट बाय द नंबर वन पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उसे कहते हैं आदम। ही इज कॉल्ड आदम। तो अगर उस आदम को, अलफ को, पहले नंबर को पहचाना ही नहीं, सो इफ यू हैवंट रिकॉग्नाइज्ड दैट आदम अलफ द नंबर वन पर्सन, तो कहेंगे बाप की याद है? याद ही नहीं है। देन विल इट बी सेड दैट यू आर इन रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर? देयर इज नो रिमेम्बरेंस एट ऑल। तो यहाँ जितना समय आप बैठते हो तो सच सच अपने दिल से पूछो। सो एज लॉन्ग एज यू सिट हियर आस्क योरसेल्फ ट्रूथफुली, हम कितना समय बाप की याद में रहे? हाउ लॉन्ग डिड आई रिमेन इन द फादर्स रिमेम्बरेंस? और कितना समय बुद्धि देहदारियों की याद में भटकती रही? एंड हाउ लॉन्ग डिड माई इंटेलेक्ट वॉन्डर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द बॉडीली बींग्स? यहाँ बैठे बैठे भी, इवन वाइल सिटिंग हियर, बल दृष्टि लेते हैं, ऑल्दो दे टेक दृष्टि, नींद में चले जाते हैं, दे स्टार्ट स्लीपिंग, दृष्टि लेते लेते कोई थोड़ा सा खड़ा हो गया, बस उधर ही दृष्टि चली जाती है। वाइल टेकिंग दृष्टि बाबा इज एक्टिंग आउट द वे पीपल लुक हियर एंड देयर, इफ समबडी स्टैंड्स अप फॉर अ वाइल दैट्स ऑल, दे स्टार्ट लुकिंग इन दैट वेरी डायरेक्शन। याद की यात्रा में पूरा रहने वाले की निशानी बताई मुरली में। द इंडिकेशन ऑफ द वन हु इज कम्प्लीटली ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस वॉज मेंशन्ड इन द मुरली। उसके नेत्र एक टक हो जावेंगे। हिज आईज विल बी स्टेडी। क्या? वॉट? नेत्र को देखने से ही पता चलेगा कि इसकी मन बुद्धि ऊंचते ऊंच बाप की ओर टिकी हुई है। जस्ट बाई सींग हिज आईज इट विल बी नोन दैट हिज माइंड एंड इंटेलेक्ट इज फोकस्ड ऑन द हाइएस्ट फादर। दृष्टि चलायमान हो नहीं सकती। द दृष्टि कैनॉट बी इनकॉन्स्टेंट, चलायमान। तो अपने दिल से पूछो। सो आस्क योर हार्ट। जब यहाँ बाप के सामने बैठते हो, वेन यू सिट हियर इन फ्रंट ऑफ द फादर, तो याद में स्थिरियम रहते हैं? डू यू रिमेन कॉन्स्टेंट इन रिमेम्बरेंस? क्योंकि यहाँ जब बैठते हो तो तुमको खास याद में रहना है। इट इज बिकॉज वेन यू सिट हियर यू हैव टू स्पेशली रिमेन इन रिमेम्बरेंस। यहाँ बैठ करके ही, बाप के सन्मुख बैठ करके भी अगर याद में नहीं रह सके तो बाहर की दुनिया में तो माया तुमको पूरा ही हप करेगी। इवन वाइल सिटिंग हियर, इवन वाइल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फादर, इफ यू कैनॉट रिमेन इन रिमेम्बरेंस,
then Maya will gobble you up completely in the outside world. या तो याद में रहो, या तो फिर बुद्धि में ज्ञान का चक्र फिराओ. Either remain in remembrance or rotate the cycle of knowledge in the intellect. अगर चक्र फिरावेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है. There is nothing wrong even if you rotate the cycle. ज्ञान का चक्र फिरावेंगे. If you rotate the cycle of knowledge. तो चक्र में आत्मा का चक्कर तो 84 का चक्कर आ ही जाएगा. Then the cycle of the soul, the cycle of 84 births will certainly be included in it. पक्का करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है. Make it firm. We certainly have to go close to Baba. क्या? What? नजदीक जरूर जाना. We certainly have to go close to Baba. अरे पास में आके कंधे पे, कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ. अरे come close and sit on Baba's shoulder. तो पास हो जाएगा. Will it be called close? Someone said through the mind and intellect. नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ. No, coming close through the mind and intellect also means कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी. That the more we remain in deep remembrance, our soul will indeed play a part, staying close to the father's part for many births. नहीं तो याद में नहीं रहेगी. Otherwise, if we do not remain in remembrance, मायावी प्रभाव में आती रहेगी. If we come under the influence of Maya, तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहें, कहीं कोई पार्टी ले जावेगी. Then the people of other religions will entangle us under their influence and take us away. Somewhere, some party will take us. कहीं कोई पार्टी घसीट ले जावेगी, कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं. And somewhere, some other party will drag us away. They will say, we are God Vishnu. ऐसे होता है कि नहीं होता है? Does it happen like this or not? ऐसे होता है. It happens like this. तो पवित्र और पूरा सतोपदान होकर के बाप के पास जाना है. So you have to become pure and completely सतोप्रधान and go to the father. इस बात को अच्छी रीति समझना है. You have to understand this topic well. कि जितना जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे बाप के घर परमधाम में भी नजदीक बैठेंगे. The more we become a pure soul, we will sit close to the father in his home, the supreme abode as well. और 84 के चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक आवेंगे. And we will come close to the father for many births in the cycle of 84 births too. कई तो फट से इन बातों को भूल जाते. Many people forget these topics immediately. क्यों? Why? है? नहीं, 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं. Someone said there is body consciousness in them. No, they have not been close to the father in the 63 births. क्या? What? द्वापर युग से औरों के चक्कर में आ गए. They were entangled to others from the copper age onwards. तो बाप से दूर हो गए. They went away from the father. तो यहाँ संगम युग में उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? What sign will be visible in them here in the confluence age?